हाय गाइस, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग टेक बाइट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैलवेयर के ऊपर कि मैलवेयर्स क्या होते हैं, कि कैसे आपके सिस्टम में आते हैं और इससे आप अपने सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैलवेयर जो होता है वो आपका एक मिलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके इंटरनेट के थ्रू या किसी एक्सटर्नल सोर्स जैसे कि पेन ड्राइव के थ्रू आपके सिस्टम पे आते हैं। ज़्यादातर जो मैलवेयर्स होते हैं वो हमारे इंटरनेट के थ्रू ही हमारे सिस्टम पे आते हैं, जिसमें कि क्या होता है, आपके सिस्टम पे रखे हुए डेटा को करप्ट करना या कंप्यूटर को स्लो कर देना, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जो ये मैलवेयर्स होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं, यानी जो वायरस के जो टाइप्स हैं वो तीन टाइप्स हैं। पहला वायरस, सेकेंड वॉर्म एंड थर्ड इज ट्रोजन हॉर्स। ये तीनों के तीनों जो वायरस जो टाइप्स हैं इनका काम भी अलग अलग होता है और ये आपके सिस्टम में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज भी करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम वायरस की। तो वायरस जो है, वायरस आपका एक तरह का एप्लीकेशन, प्रोग्राम या एक तरह की स्क्रिप्ट होती है जो कि आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। जब वायरस आपके सिस्टम पे एग्जीक्यूट होता है तब ये आपके सिस्टम पे रखे डेटा पर इफेक्ट डालता है, जैसे कि डेटा को करप्ट कर देना, डेटा को डिलीट कर देना, कंप्यूटर को स्लो कर देना। तो ये जो इफेक्ट है ये हमारे वायरस के होते हैं। तो जो दूसरा टाइप का जो वायरस है जो कि है वॉर्म, वॉर्म क्या करता है, वॉर्म भी एक तरह का आपका वायरस होता है जो कि अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करता है। सेल्फ रेप्लिकेट करने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मेरे सिस्टम पे वायरस यानी वॉर्म आ गया, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये वॉर्म है? तो ये क्या करता है, मान लीजिए वॉर्म ने एक फोल्डर क्रिएट किया, अब फोल्डर उसी फोल्डर की वो डुप्लीकेसी करना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली, जैसे एक एक से दो, दो से चार, चार से सौ, हजार, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, ये आपके सिस्टम पे फैलते जाएंगे, जिससे होगा ये कि आपके सिस्टम के जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो बढ़ जाएगी। सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ने से क्या होगा, आपका सिस्टम हैंग होगा, स्लो हो जाएगा, आप कोई प्रोग्राम ओपन करेंगे वो ओपन नहीं होगा। तो ये जो है ये आपके वॉर्म की वजह से होते हैं। वॉर्म की एक खासियत और होती है कि ये अपने साथ जो सिस्टम पे है उसके साथ साथ वो नेटवर्क में रखे दूसरे सिस्टम पे भी अपने आप जा सकते हैं। तो ये हमारे वॉर्म के इफेक्ट होते हैं। तो थर्ड जो वायरस है हमारा वो है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स जो होता है वो दोनों वायरस से एकदम डिफरेंट होता है, इसका काम करने का तरीका भी एकदम अलग होता है। तो ट्रोजन हॉर्स जो है वो भी एक तरह का प्रोग्राम होता है जो कि आपके कंप्यूटर की बैक डोर को ओपन कर देता है, यानी कुछ पोर्ट्स ओपन कर देता है, जिससे कि क्या होता है कि आपके कंप्यूटर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो हैकर्स तक पहुंच जाती है, जैसे आपकी ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड, आपकी बैंक की डिटेल, उसका यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी की सारी क्रेडेंशियल जो है हैकर्स तक पहुंच जाती है अगर आपके सिस्टम पे ट्रोजन वायरस का अटैक होता है तब। तो ये किस तरीके से आपके सिस्टम पे आती है, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई एक ऐसी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं जिस जो कि अनट्रस्टेड है, जिसमें कि आपके सॉफ्टवेयर्स, आप मूवीज, आप वीडियोस डाउनलोड कर रहे हैं, तो उस वीडियो या उस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो आपका जो ट्रोजन हॉर्स का वायरस है वो साथ में आ जाता है। तो जैसे ही आप उस सिस्टम को उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ साथ वो जो आपका ट्रोजन हॉर्स का वायरस है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ इंस्टॉल हो जाता है, जिससे कि क्या होता है कि आपके सिस्टम के कुछ पोर्ट्स ओपन हो जाते हैं और आपके जो कंप्यूटर की जो एक्सेस है वो हैकर तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है। दूसरा जो तरीका है वो हमारा ईमेल के थ्रू हमारा ये वायरस आता है। ईमेल के थ्रू कैसे आता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई हैकर है, उसने क्या किया, आपको एक ईमेल किया लालच की कि आपकी जॉब लग गई आपको या आपको लॉटरी दी जा रही है, इस तरह के ईमेल आपके पास आते हैं और उस ईमेल के साथ एक अटैचमेंट होता है। तो वो जो अटैचमेंट होता है वो ही हमारा ट्रोजन हॉर्स का जो होता है वो वायरस होता है। तो जैसे ही आपने उस अटैचमेंट पे क्लिक करते हैं और आपके सिस्टम पे ऑटोमेटिकली वो स्क्रिप्ट रन हो जाती है और आपके सिस्टम पे ट्रोजन वायरस आ जाता है। देखिए, कोई भी वायरस जो होता है, जो भी वायरस है, चाहे वो वॉर्म हो, चाहे आपका ट्रोजन हॉर्स हो, चाहे वो आपका नॉर्मल वायरस हो, कोई भी वायरस तब तक आपके सिस्टम पे इफेक्ट नहीं डाल सकता जब तक आप उस पे क्लिक या किसी तरह की एक्टिविटी ना करें, यानी जब तक हम किसी एप्लीकेशन पे या किसी अटैचमेंट पे अनट्रस्टेड अटैचमेंट पे क्लिक नहीं करते हैं, तब तक हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी वायरस हमारे सिस्टम पे इफेक्ट नहीं डाल सकता। तो ये जो थे हमारे तीनों टाइप के वायरस थे,
किसके इफेक्ट थे, किस तरीके से आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाते थे। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इनसे बच सकते हैं, हम कैसे इन तीनों वायरस को अपने सिस्टम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ टिप्स जिनके जरिए आप अपने सिस्टम में इन तीनों वायरस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी जो पहली टिप्स है वो ये है कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बीच बीच में अपडेट करते रहिए। यानी अपने सिस्टम को अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आपके सिस्टम में वायरस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेगा। मेरी जो सेकंड टिप है वो ये है कि आप किसी ऐसे ईमेल पे या किसी ऐसे अटैचमेंट पे क्लिक ना करें जो अनट्रस्टेबल हो, यानी जिससे लगता है कि इस अटैचमेंट से मेरे सिस्टम पे नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसे अटैचमेंट पे प्लीज़ क्लिक ना करें। नेक्स्ट जो टिप्स है वो ये है कि आप हमेशा पेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ कीजिए। आप अगर पेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो प्रोटेक्शन के जो फीचर्स होते हैं वो फुल होता है। आप फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्री के अंदर क्या होता है कि आपके जो प्रोटेक्शन के फीचर्स होते हैं वो कम होते हैं। तो इसलिए मेरी राय यही है कि आप हमेशा पेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ कीजिए। कोई भी कर सकते हैं, अवस्थ, AVG, क्विक हील, कुछ भी कर सकते हैं। ये सारे आपके 1000 से 1500 के बीच में आपके 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाता है। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आप अपने सिस्टम में इंपॉर्टेंट डेटा फाइल्स का बैकअप लेके रखिए। कभी ऐसा ना हो कि आपके सिस्टम में वायरस आ जाए और आपकी फाइल करप्ट हो जाए। तो अगर आप अपने फाइल या फोल्डर्स का बैकअप लेके रखेंगे तो आप उनको ईजिली रिकवर कर सकते हैं अगर किसी भी तरह का नुकसान आपको होता है तो। मेरी जो नेक्स्ट टिप्स है वो ये है कि आप हमेशा जो क्रेडेंशियल्स आप यूज़ करते हैं, चाहे वो ईमेल आईडी के हों, चाहे वो फ़ोन बैंकिंग के हों, या आप किसी भी तरह का कब कुछ ईमेल आईडी का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आप जो पासवर्ड जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ कीजिए। कुछ कॉम्प्लेक्स पासवर्ड जैसे xyz@abc@something कुछ लाइक दैट। तो हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ कीजिए। मिनिमम आपका जो करेक्टर जो लेंथ होना चाहिए पासवर्ड का वो 8 करेक्टर का होना चाहिए। मेरी जो नेक्स्ट टिप्स है वो अपने ये है कि आप अपने विंडोज़ के जो फायरवॉल होते हैं उसको हमेशा ऑन रखिए, उसको कभी ऑफ मत कीजिए। उसको ऑफ करने से होता है क्या कि आपके बाहर की जो अनट्रस्टेबल जो वायरसेस होते हैं वो आपके नेटवर्क में आ सकते हैं। तो अपने विंडोज़ के जो फायरवॉल्स हैं उसको हमेशा ऑन कर रखिए। नेक्स्ट जो टिप्स है वो ये है कि आप अपने जो ब्राउजर्स होते हैं उस पर पॉपअप ब्लॉकर को जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको आप ऐड करके रखिए। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जब आप किसी ऐसे साइट्स पे जाते हैं तो आपके पास बहुत से एड्स आने शुरू हो जाते हैं, तो जो वो एड्स होते हैं वो एक तरह के मैलवेयर्स ही होते हैं। तो उन एड्स से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आप हमेशा ब्राउजर के अंदर पॉपअप ब्लॉकर का यूज़ कीजिए। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स जिनके जरिए आप इन वायरसों से अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।